अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने आपको अपनी फ़र्स्ट वीडियो में केक का स्पंज तैयार करना बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केक की फ्रॉस्टिंग कैसे की जाती है, यानी कि केक के ऊपर क्रीम कैसे अप्लाई करते हैं, उसको डेकोरेट कैसे करते हैं और उसकी फ्रॉस्टिंग कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैंने एक डीप बाउल ले लिया है और यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ क्रीम को व्हिप। और जो क्रीम आप केक के ऊपर अप्लाई करते हैं उसको व्हिप क्रीम बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैंने व्हिप क्रीम यूज़ की है वो है क्रीम डिलाइट वालों की। तो यहाँ पे अब मैंने टोटल इसके 4 साशे लिए हैं, जो कि बाद में मेरे केक के लिए कम पड़ गई थी तो मैंने उसको दोबारा व्हिप किया था। तो अगर आपकी क्रीम कम पड़ जाए तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको दोबारा व्हिप कर सकते हैं। तो इसके बाद 4 साशे में मैंने तकरीबन 1 कप ठंडा दूध लिया था और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट के मैंने इसमें ऐड किए थे। वनीला एक्सट्रैक्ट आपका ऑप्शनल है, अब अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं डालेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमने बीटर को 4 मिनट के लिए फुल स्पीड पर रख कर इस क्रीम को व्हिप करना है, और तकरीबन 4 मिनट के बाद हमारी जो क्रीम है बिल्कुल फुली रेडी होगी केक पर अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, जब तक हमारी क्रीम बीट हो रही है तो मैंने सोचा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती चलूँ, क्योंकि आप सबने मेरी पहली वीडियो पे मुझे बहुत सारा प्यार दिखाया। और सीरियसली आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। चलें जी, तो अब हमारी क्रीम हो चुकी है रेडी, और क्रीम को चेक करने का तरीका ये है कि ये अब अच्छे से व्हिप हो चुकी है कि नहीं। आप अपने बीटर को उठाएं और देखें कि अगर ये नीचे नहीं गिर रही और ये स्टिक हो चुकी है बीटर के साथ, तो इसका मतलब है कि ये क्रीम केक के ऊपर लगाने के लिए और अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे जो मैंने केक का स्पंज तैयार किया था मैंने वो ले लिया है, और ये देख रहे हैं ये बहुत सॉफ्ट बना हुआ है। और केक के स्पंज को सॉफ्ट करने के लिए, मॉइस्ट करने के लिए आपने इस पर कोई भी सिरप इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे चेरीज़ का सिरप इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं जो केक की डेकोरेशन है वो चेरीज़ के साथ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास पाइनएप्पल का सिरप है, पाइनएप्पल टिन जो होता है, आप उसका सिरप इसको मॉइस्ट करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि हमने केक बनाया और वो अंदर से हार्ड हो गया। तो उसको मॉइस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी सिरप इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास पाइनएप्पल भी नहीं है तो आप इसको चीनी का सिरप बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्पंज उठा के मैंने इसके ऊपर रख दिया, और इसके ऊपर भी मैं ये जो सिरप है ये ऑल ओवर स्प्रेड कर दूंगी, ताकि ये जो ये वाला भी स्पंज है ये भी अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। अच्छा जी, अब हम चलेंगे केक के मेन काम की तरफ, यानी कि इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करने की तरफ। और एक अच्छे केक के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो क्रीम है वो अच्छे से व्हिप हुई हो। और ये जो क्रीम मैंने व्हिप की थी इसको मैंने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और इसके बाद ये केक पर आसानी से अप्लाई हो सके। और केक की जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो ये है कि इसके जो क्रम्स हैं, यानी कि इसका जो चूरा है वो उसको हम कवर नहीं करते। तो उसके लिए आपने ये करना है कि थोड़ी सी क्रीम लेनी है और कोशिश करनी है कि उसको चारों तरफ से पहले कवर कर लिया जाए। यहाँ पे मैंने क्रीम को अच्छी तरह कवर कर लिया है, और इधर आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा केक है फुली कवर हो गया, और इसका कोई भी स्पंज जो है हमें नीचे से स्पंज वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी कि अपनी नाइफ की मदद से जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको केक से उतार लूँगी, और ऐसे ही करने से हमारे जो केक पे है वो नीचे आ जाएगी। और ये आप मेरे हाथ में टिश्यू देख रहे हैं,
तो जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है आपने वो उतारनी है, और उसके बाद टिश्यू से अपनी नाइफ़ को साफ़ करना है, और दोबारा जो क्रीम एक्स्ट्रा आपको फील हो रही है वो आपने नाइफ़ की मदद से उतार लेनी है। इसके बाद आपने स्क्रैपर की मदद से अपने केक के चारों तरफ उसको घुमा लेना है, तो इससे बहुत अच्छा आपके जो केक पे वो डिज़ाइन बन जाएगा। और फिर इसके बाद हम लेंगे एक पाइपिंग बैग, और अब इसमें मैं फिल कर लूँगी व्हिपिंग क्रीम, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे इसको डेकोरेट इससे। और इसके लिए जो मैंने नोज़ल यूज़ किए हैं वो स्टार शेप नोज़ल थी, जिसके साथ मैंने ये केक को डेकोरेट किया। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग को फिल कर लिया, और हमेशा आपने जब भी पाइपिंग बैग में क्रीम डालने के बाद उसे थोड़ा सा बाउल में निकालें, ताकि इसमें जितने भी बबल्स आ गए हैं वो निकल जाएं। इस तरह आपकी क्रीम केक पर कभी भी थोड़ी सी चल कर रुकेगी नहीं। और यहाँ पे जो मैंने नोज़ल यूज़ किया वो स्टार शेप नोज़ल है, और इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे केक की डेकोरेशन। और यहाँ पर मैं जो हल्का सा प्रेशर दूंगी अपने हाथ को आगे की तरफ और फिर उसे पीछे कर लूँगी। ये थोड़ा सा टैकी आपको स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, लेकिन करने से तो सब कुछ आ जाता है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर बनाऊँगी डॉट, और इसके स्टेप्स हैं, हम पहले इसके स्टेप काउंट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े इसके जो डॉट हैं वो बनाने हैं। अब इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगी चेरीज, ये मुझे ब्लैक चेरीज मिली है, मेरे पास रेड चेरीज अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने कहा कि चलें यही चेरीज लगा लेते हैं। और ये भी लग के अच्छी लगी थी, लेकिन अगर रेड चेरीज होती तो वो इसके ऊपर बहुत प्यारी लगती, तो ये मैं अब इनको लगा रही हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने जो केक है वो पाइनएप्पल के साथ डेकोरेट किया, और यहाँ पे मैं चेरीज़ के साथ कर रही हूँ। तो मकसद आपका आपके केक को प्यारा, अच्छा और प्रेजेंटेबल बनाना है, तो उसके लिए आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, और इनको कट करके मैं इसकी साइड्स पर लगा रही हूँ, ताकि ये और भी अच्छा लगे देखने में। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मैंने जो फर्स्ट केक भी बनाया है, या मैं ये जो आप लोगों को फ्रॉस्टिंग करने का बता रही हूँ, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं ये चीज़ें सिर्फ आपको वो सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और अपने तरीके में बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो जो मैं खुद करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और मैं उसी तरीके से बताऊँ। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं और बनाई हैं वो मैं आपको उसी तरह बताने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।